मोबाइल टावरों में लगने वाले DUR, RUS कार्ड्स व तांबे के तार चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों के नाम शुभम वसंता खराबी डोंगरगांव तहसील मोहाड़ी भंडारा निवासी और कार्तिक नरेश खुरंगी प्लॉट नंबर 8 सर्वेग्नेस सोसाइटी हुड़केश्वर नागपुर निवासी है। दोनों आरोपियों से 4 मामले उजागर कर पुलिस ने 7 नग DUR RUS कार्ड व 15 किलो तांबे की तार सहित 1,37,500 रूपए का माल जब्त किया है। पुलिस के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में लगे मोबाइल टावरों से DUR RUS कार्ड व तांबे की तार चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। इन घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस मोबाइल टावर्स पर नजर रखने लगी। दस्ते ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी शिवम खराबे और कार्तिक खुरंगे को सिद्धेश्वर नगर चकली घर से चोरी के माल के साथ हिरासत में लिया। पूछताछ में शिवम खराबे ने पुलिस को बताया कि करीब 2-3 माह में उन्होंने काटोल जिल्पा पारट शिंगा और मौदा परिसर के भुका व सावली फाटा में मोबाइल टावर से तांबे की तार व DUR RUS कार्ड की चोरी की है। नागपुर ग्रामीण परिसरातील मोबाइल टावरला लावण्यात येणारे DUV RUV कार्ड्स आणि कापर वायर चोरीच्या घटना घडलेल्या आहेत। सदर घटनांचा तपास करताना स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला गोपनीय माहिती मिळाल्याने स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने शुभम खराबे राहणार डोंगरगाव तालुका मोहाडी जिल्हा भंडारा आणि कार्तिक खुरंगे राहणार सर्वज्ञ सोसायटी हुडकेश्वर रोड नागपूर या दोघांना ताब्यात घेतले। त्यांना विचारपूस दरम्यान त्यांनी सांगितले की त्यांनी अशा प्रकारचे 4 गुन्हे कबूल केलेले आहेत। चोरी का यह माल आरोपियों ने रामकृष्ण सहारे के घर के बाहर सीढ़ी के नीचे छिपा कर रखा है। दोनों से बेचने की फिराक में थी लेकिन पकड़े गए। शुभम खराबे ने चोरी का माल निकाल कर पुलिस को दिया। इस बारे में छानबीन करने पर पता चला कि काटोल और मौता थाने में मोबाइल टावर से सामग्री चोरी की 4 शिकायतें दर्ज है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।